हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर मैं अपने वीडियो के साथ दोस्तों, ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125। आज इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, साथ ही जानेंगे इस गाड़ी के में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, किन किन कलर ऑप्शन मिलता है और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है। तो ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ, ये इस कलर का नाम है ब्लैक एक्सेंट। और इसके सिवाय और आपको 5 कलर मिल जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राजा हीरो, जिन्होंने हमको एक गाड़ी दिया रिव्यू करने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं फ्रंट से शुरू करूँगा। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक वाइजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रोम में फिनिश मिलता है, यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिलता है जो गाड़ी को स्विच ऑन करने पे ऑन होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब में इंडिकेटर है जो इस तरफ में भी है, और ये फ्लेक्सीबल है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आपको फेंडर मिल जाता है ऑल ब्लैक कलर में, और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये शाइनी ब्लैक कलर है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो मेरे ख्याल से 31 mm का है, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है 240 mm का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोवेटर डिज़ाइन सिंपल है लेकिन शानदार है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाइब्रेरी की तरफ से एक बड़ा सा कैलिपर मिल जाता है जिसके कारण आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा मिलेगा। और टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको 80x100 inch का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है, और जो एलोविन का साइज़ है वो 18 inch का है। तो चलिए टैंक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक शाइनी ब्लैक कलर का टैंक मिल जाता है जिसमें आपको सुपर स्प्लेंडर क्रोम में 3D में लिखा हुआ है। और टैंक का क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर टैंक आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। इस टैंक की बात करें तो टैंक आपको 12 liter का मिल जाता है, तो मान सकते हैं आप 12 liter का टैंक इस सेगमेंट में बहुत अच्छा होता है और आपको एक लंबी सी रेंज प्रोवाइड करेगा ये गाड़ी। और ये गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है, यहाँ पे आपको FI का ब्रांडिंग मिल रहा है, एक क्रोम में आप फिनिश देख सकते हैं। तो चलिए इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 124.7 cc का एयर कूल 4-stroke 2-valve OAC इंजन मिल जाता है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 PS 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.6 Nm जो आपका 6000 RPM पे। और इंजन आपको देख सकते हैं, इंजन आपको डुअल कलर में मिलता है, यहाँ पे ब्लैक में और यहाँ पे आप ग्रे देख सकते हैं। यहाँ पे हीरो का ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने किक प्रोड्यूस आपको प्रोवाइड किया हुआ है जिसके कारण अगर आपका बैटरी डाउन हो जाए तो आप कहीं भी फंस जाओ तो किक से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और ये गाड़ी FI है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपस्टिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैटलिटिक कन्वर्टर, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट दिया हुआ है, फोल्डेबल है जो मतलब आपका गाड़ी गिर जाए तो टेढ़ा नहीं होगा, ये फोल्ड हो जाएगा। दूसरे कंपनी का गाड़ी जैसे आप पल्सर पे देखा होगा वहाँ पे एक रॉड में दिया हुआ है, SP में दिया हुआ है, लेकिन हीरो ने यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, और आपको ब्लैक कलर में गियर लीवर मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक शील्ड मिल जाता है ताकि आपका पैर यहाँ पर टच ना हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबा सा आपको शील्ड प्रोटेक्टर दिया हुआ है जो क्रोम में है और दिखने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर का फुटरेस्ट भी आपका फोल्डेबल मिल जाता है। और चलिए मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ गाड़ी का, पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं इसको बंद कर दिया, अब देखा है मैंने एक बार सेल्फ प्रेस किया और गाड़ी ऑन हो गया। तो चलिए अब पीछे की बात करें, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ये पीछे के ब्रेक का आपको फ्लूइड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल डुअल सस्पेंशन मिलता है। और पीछे की ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और एलो व्हील आपको ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे पीछे की टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 90x90 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और जो अलॉय का साइज़ है वो 18 inch है। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हीरो का ब्रांडिंग है, यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको गाड़ी फुल्ली ब्लैक में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक सिंगल में ग्रैबरेल मिल जाता है जो मेटल में है, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और पीछे से मैं दिखा देता हूँ, एक बार गाड़ी ऑन कर देता हूँ तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है उसके लिए बार बार परेशानी हो रहा है। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, जैसे कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तभी बैकलाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और बल्ब में आपको बैकलाइट भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मडगार्ड की पीछे का मडगार्ड की चौड़ाई है बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपका कचरा ऊपर नहीं आएगा। तो गाड़ी पीछे से ऐसा दिखता है, गाड़ी आपको कैसा लग रहा है आप बोलिए।
मुझे तो ये ऑल ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ से बात करें तो इस तरफ से मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप एक बार देख लीजिए, गाड़ी बहुत ही बड़ा है, ठीक है, मतलब शाइन से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है और बल्की लग रहा है, ठीक है। और इस तरफ से बात करें तो यहाँ पे आपको लोहे का साड़ी गार्ड मिल जाता है ब्लैक कलर में, यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फुल्ली कवर चेन मिल जाता है जो प्लास्टिक का कवर है, यहाँ पे आपको ये फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल जाता है। और इस तरफ से बात करें तो इस गाड़ी में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, चलिए मैं आपको एक बार हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ, हॉर्न कितना लाउड है। तो हॉर्न ही गाड़ी का जो हॉर्न है सिंगल हॉर्न होने के बावजूद भी बहुत ही लाउड है। और इस तरफ से बात करें तो यहाँ पे आपको जो गियरबॉक्स मिलता है वो 5-speed गियरबॉक्स मिलता है। और यहाँ पे फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलता है, यहाँ से आपको सिर्फ टो नहीं हील शिफ्टर भी मिल जाता है जिसके कारण आपका जूता ख़राब नहीं होगा। और इस गाड़ी में आपको मेन स्टैंड मिल जाता है, साथ ही सिंगल स्टैंड में कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जिसके वजह से अगर आपको सिंगल स्टैंड डाउन रहेगा, आप जैसे गाड़ी की स्टार्ट करके गियर डालते हो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। और एक फैसिलिटी मिलता है इस गाड़ी में, ये अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपका गाड़ी गिर जाए तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, वैसा भी सेंसर है जैसे इंजन कट ऑफ व्हेन बाइक फॉल, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मॉडल और डिज़ाइन दिखा देता हूँ, हीरो ने बहुत ही बेहतरीन गाड़ी बनाया हुआ है। और इस गाड़ी में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है वो 180 mm का मैसिव मिल जाता है, आप इंडियन रोड के हिसाब से कहीं पे गाड़ी चलाए आपका नीचे से टच नहीं होता। और यहाँ पे आपको सीट में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर मैट कलर में आपको सीट मिल जाता है, जहाँ से बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ है सुपर स्प्लेंडर। और इसका कुशनिंग बहुत ही अच्छा है, आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हैंडल बार की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम कलर में हैंडल बार मिल जाता है। और स्विच बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका I3S ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो, ये आपका सेल्फ का बटन, यहाँ से आपको ये हाई बीम यहाँ से मिलता है, यहाँ से लो बीम मिलता है, यहाँ पे आपको पास का स्विच मिलता है, सब देख सकते हैं, लाइट का विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है, आपको लीवर ब्लैक कलर में मिल जाता है और मास्टर सिलेंडर ब्लैक कलर। आप मिरर का डिज़ाइन देख सकते हैं, पूरा राउंड नहीं है, एक ओवल शेप में है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मीटर की तरफ चलते हैं, जो मैं पहले थोड़ा फोकस कर देता हूँ, यहाँ पे पहले का जो मीटर मिलता है ना वो आपका सुपर स्प्लेंडर में ऑल एनालॉग मीटर मिल जाता है, लेकिन अब आपको सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है, यहाँ पे एनालॉग आपको स्पीड में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आपका फ्यूल का मिल जाता है, आपका टाइम दिखाता है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है और शायद आपको ट्रिप भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल का, ये आपका मल फंक्शन का, ये आपका लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको हीरो मिलता है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का, चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ इंडिकेटर का। और स्पीड आपको एनालॉग में मिलता है, अगर आप 40 यहाँ पे आप दिया हुआ है 30 से 50 के बीच आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको सबसे बेहतरीन माइलेज मिलेगा। और चाबी में आपको चाबी दिखाना तो भूल ही गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको एक चाबी मिलता है। अभी आखिर में जो एक बात बोलूं तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है। और इस गाड़ी में आपको हीरो की तरफ से आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है, ठीक है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस है ये राजा हीरो के हिसाब से ये आपका 97,500 से लेके 1,03,000 समथिंग जाता है। ये आपका डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में और कलर में थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। अगर आपको गाड़ी कैसा लगा बोलिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा बोलिएगा, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल के सोदपुर के कहीं आसपास रहते हो, अगर आपको हीरो को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या टेस्ट राइड लेना है तो मैं शोरूम का नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप शोरूम पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।